लोग कैसे हो। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बता रही हूँ कि मेरी दीदी अपने मायके से ससुराल जा रही है। देख सकते हैं आप लोग, मेरी दीदी बस रेडी ही हो रही थी और मैं बोल रही थी थोड़ा आप फोटो शूट कर लेते हैं। ये मोमेंट तो बहुत ही मतलब इमोशनली होता है, क्योंकि शादी का कितना दिन बाद हो, मतलब कितना दिन भी हो जाए, फिर भी मायके से ससुराल जाना तो थोड़ा इमोशनली हो जाता है, इमोशनल हो ही जाता है कोई भी। और मेरी दीदी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, देख सकते हैं उसके चेहरे से ही आप सभी लोग को पता लग रहा होगा। मायका कितना भी कुछ भी हो, लेकिन मायका मायका ही होता है। जो लोग मतलब जो शादीशुदा है उन लोग को पता चलता होगा कि कैसा होता है मायका। सो मेरी दीदी देख सकते हैं रेडी हो गई थी, बस थोड़ा बहुत जो कुछ भी बाकी था वो बस कर रही थी। और देख सकते हैं आप लोग वो रेडी हो गई थी। फिर हम लोग सभी लोग एक साथ मिल के थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किए थे। और भी मेरी छोटी वाली बहन को देख लीजिए कितना नटखट है। और ये देखिए जब थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट हो जाने के बाद ये सभी लोग रेडी हो रहे थे जाने के लिए। और देन आफ्टर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी जाता है तो थोड़ा तो इमोशनल सभी लोग हो जाते हैं ना। मम्मी हो या फिर मैं हूँ या फिर छोटी बहन दीदी, हर कोई इमोशनल हो जाता है। मेरी बेटी को भी देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। ये मेरी दीदी का लड़का है, वो भी जाने के लिए रेडी हो रहा था। मेरा भाई सभी सबका बैग लेकर के जा रहा था। और फिर इसके बाद दीदी को खोइछा दिया, मेरी मम्मी जो है सो खोइछा देने लगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि खोइछा आप लोग में दिया जाता है या नहीं। हम लोग में कभी भी कोई भी आता जाता है तो उसे खोइछा दिया जाता है जाने के लिए। तो वही मम्मी उसको दीदी को खोइछा दे रही थी। देख सकते हैं आप लोग, ये पूजा वाला रूम है मेरा पूजा का, और इसी में खोइछा दिया जाता है जो भी जाता है उस सभी को। मम्मी खोइछा दे रही थी दीदी को, फिर खोइछा लेकर के दीदी और जो भगवान जी रहते हैं ना उनको उनका आशीर्वाद लिया जाता है। और फिर दीदी भगवान जी का आशीर्वाद लेकर, मम्मी से भी आशीर्वाद लेकर के, सभी लोग से आशीर्वाद लेकर के वो जाने लगी। फिर देखिए सभी लोग रो रहे थे, फिर सभी लोग रो रहे थे देख सकते हैं। और ये गाड़ी में बैठ कर जा रही थी, कैसा लगा। यही हम लोग का विदाई एक तरह से, जो शादी का जो स्टार्टिंग रहता है वैसा ही विदाई हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसमें भी जाना बहुत ही मुश्किल लगता है थोड़ा बहुत। और कैसा लगा मेरी दीदी का विदाई, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मैंने